नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं पीसी मेघवाल, सीनियर लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। मैं आपको फाइनल ईयर का इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जिसका कोड EE 306 है। इस सब्जेक्ट में आपके कोर्स में टोटल 6 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट है इंडक्शन मोटर है, सेकंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, थर्ड यूनिट अल्टरनेटर है, फोर्थ यूनिट सिंक्रोनस मोटर है, फिफ्थ यूनिट स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सिंक्रोनस मशीन है, और सिक्स्थ यूनिट स्पेशियल मशीन्स है। इस सब्जेक्ट में थ्योरी का पेपर 70 मार्क्स का होगा। इस सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल भी हैं, बोर्ड द्वारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा। बोर्ड द्वारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 50 मार्क्स का होगा। इंटरनल असेसमेंट 10 टेस्ट और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर 80 मार्क्स के होंगे। आपके दो बेस्ट टेस्ट होंगे, वो 15 15 टोटल मिला के 30 में से टेस्टों के नंबर दिए जाएंगे, और 50 नंबर आपके फाइल और प्रैक्टिकल कुल मिला के इंटरनल असेसमेंट 80 नंबर का होगा। फर्स्ट यूनिट इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है और आउटपुट में मैकेनिकल पावर मिलती है। इंडक्शन मोटर एसी मोटर्स हैं। इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर आधारित है, इसलिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है इसका अध्ययन महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय फर्स्ट टू फेज सप्लाई, सेकेंड थ्री फेज सप्लाई। आज हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय टू फेज सप्लाई पढ़ेंगे। डायग्राम में टू फेज टू पोल स्टेटर दिखाया गया है। स्टेटर पर दो वाइंडिंग हैं, दो आइडेंटिकल वाइंडिंग हैं,
90 डिग्री स्पेस अपार्ट हैं दोनों वाइंडिंग। जब स्टेटर को टू फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो दोनों वाइंडिंग के अक्ष के अनुदिश फिगर 2B के अनुसार अल्टरनेटिंग फ्लक्स उत्पन्न होगा जिसकी धनात्मक दिशा फिगर 2A में दिखाई गई है। ∅1 वाइंडिंग 1 में फ्लक्स का ताक्षणिक मान है, ∅2 वाइंडिंग 2 में फ्लक्स का ताक्षणिक मान है, ∅r किसी क्षण रिजल्टेंट फ्लक्स है। रिजल्टेंट फ्लक्स फ्लक्स ∅1 व ∅2 के सदिश योग के बराबर होता है। अब हम 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 135 डिग्री तथा 180 डिग्री पर रिजल्टेंट फ्लक्स ∅r का मान निकालेंगे। डायग्राम 3 में रिजल्टेंट फ्लक्स 0 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 135 डिग्री पर एंड 180 डिग्री पर दिखाया गया है। जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा दैट इज करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ओ 0 इन फिगर 2B, 51 0 होगा लेकिन 52 5m होगा। 5m मैक्सिमम फ्लक्स है और 52 नेगेटिव होगा, अतः रिजल्टेंट फ्लक्स डायग्राम 1.31 के अनुसार 5m के बराबर होगा लेकिन नेगेटिव होगा। ये डायग्राम 3.1 में दिखाया गया है। नेक्स्ट, जब थीटा 45 डिग्री होगा दैट इज करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट वन इन फिगर 2B, 51 इक्वल टू 5m अपॉन अंडर 2 तथा धनात्मक है, 52 5m अपॉन अंडर रूट 2 तथा नेगेटिव है, इसलिए रिजल्टेंट फ्लक्स इक्वल टू अंडर रूट 5m अपॉन अंडर 2 स्क्वायर प्लस 5m अपॉन अंडर 2 स्क्वायर इक्वल टू 5m होगा। फाइव एम मैक्सिमम फ्लक्स है, यह डायग्राम 3.2 में दिखाया गया है। रिजल्टेंट फ्लक्स की दिशा प्रथम स्थिति से 45 डिग्री आगे हैं। नेक्स्ट, जब थीटा 90 डिग्री दैट इज करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट टू इन फिगर 2B, 52 0 होगा और 51
5 एम होगा तथा पॉजिटिव होगा, इसलिए रिजल्टेंट फ्लक्स 5 एम होगा, लेकिन फाई आर की दिशा द्वितीय स्थिति से 45 डिग्री आगे हैं। ये फिगर 3.3 में दिखाया गया है। नेक्स्ट, जब थीटा 135 डिग्री होगा, दैट इज क्रॉसपॉन्डिंग टू 0.3 इन फिगर 2B, फाई एम अपॉन अंडर रूट टू वो पॉजिटिव होगा, फाई टू फाई एम अपॉन अंडर रूट 2 वो पॉजिटिव होगा, अतः रिजल्टेंट फ्लक्स इक्वल फाई आर इक्वल टू 5 एम होगा, लेकिन फाई आर की दिशा तृतीय स्थिति से 45 डिग्री आगे हैं। यह फिगर 3.4 में दिखाया गया है। नेक्स्ट, जब थीटा 180 डिग्री होगा, दैट इज क्रॉसपॉन्डिंग टू 0.4 इन फिगर 2B, 510 होगा तथा फाई टू इक्वल टू 5 एम व धनात्मक होगा, फाई आर इक्वल टू 5 एम, लेकिन रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर फिर यह पूर्व स्थिति से 45 डिग्री आगे हैं, अतः उपरोक्त वर्णन से ये स्पष्ट है कि द्विकलीय वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का मान कांस्टेंट रहता है तथा सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। थैंक यू।